ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में किसानों की अधिग्रहित की गई जमीन के बाद परिवार को नौकरी नहीं दी गई, जिसका विरोध लगातार किसान कर रहे थे। सतना, नागौद, पन्ना, रीवा, सीधी जिले के करीब 2000 युवाओं की लिस्ट जारी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, जिसके चलते किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया था। विगत दिनों किसानों के द्वारा सांसद और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। शीतकालीन सत्र में सांसदों से गुहार लगाई गई थी कि किसानों की आवाज सदन में उठाएं। रीवा सिंगरौली सांसदों ने किसानों की नहीं सुनी, लेकिन सतना सांसद गणेश सिंह ने किसानों की मांग सदन में रखी है, जिसके बाद किसानों ने सतना सांसद गणेश सिंह को धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो रेलवे स्टेशन बना हुआ है बांसा में जी। बांसा में बना हुआ है, अगर नहीं हुआ, इनको नौकरी नहीं दी गई और ट्रेन निकलेगी तो हम ट्रेन के सामने लेट जाएंगे। किसानों की मुख्य आय का स्रोत और जमीन ही थी जो खेती बाड़ी करते थे, वो भी चला गया। आज अब पुश्त जो आ रही है नीचे, उनको नौकरी भी नहीं मिली, जमीनें भी अपनी जान निछावर कर देंगे, बिल्कुल अर्पित कर देंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे उस क्षेत्र से? उस क्षेत्र से कम 200-300 आदमी। कितनी जमीनें ली गई थी आप लोगों? क्या आश्वासन दिया गया था? अभी क्या स्थिति है? जमीन करीबन 600 किसान के लिए गए है और नौकरी नहीं दी गए। पासा से आए हैं और रेलवे ने जो अभी लिया था उसके बदले बोला था कि एक परिवार को एक नौकरी देगी, तो कुछ लोगों को दिया नौकरी, लेकिन अब तक 300 लड़के अभी बाकी हैं बासा मड़वा मिला के, उनको अभी तक काम है, 2 साल से बंद किए हैं और जमीन भी ले लिया। अब खेती बिना, पैसे बिना सब लोग मर रहे, परेशान है बेरोजगार लोग। आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि रीवा सतना, सतना रीवा रिंक योजना के लिए 1984 में भूमि का अधिग्रहण हुआ, एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिला। कई बार संसद जी से भी हमारी डिबेट के समय भी बहस हुई, कभी भी सदन में किसी ने उठाया नहीं। आप सोच सकते हैं, रीवा ग्राम पंचायत में है, स्टेशन बना हुआ है, उस स्टेशन का नामो निशान मिटा दिया, जहां से पटरिया गुरी जी स्टेशन हो गया, आज भी वो ग्राम पंचायत में है। हमारे यहाँ 8-8 विधायक है, संसद है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब ये रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन का सर्वे हुआ, उसके बाद इंद्रमणि शुक्ला जी, स्वर्गीय इंद्रमणि शुक्ला जी हमारे मंडी के डायरेक्टर थे, हम लोगों ने 2008 से इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि रेलवे सिर्फ आश्वासन देता है और रोजगार नहीं। इसलिए लगातार किसान संघर्षरत रहे। मड़वा बांसा के हमारे किसान भाइयों ने अनशन किया, आंदोलन किए, उसके बाद महाप्रबंधक जी रीवा आए, हम लोगों ने महाप्रबंधक जी का घेराव किया और महाप्रबंधक जी को घेराव करने के बाद हमें रेलवे से यह पत्र आया। और आप सोच सकते हैं कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन, सतना पन्ना रेल लाइन, सबसे विस्थापित किसानों के लिए 1925 बच्चों के लिए एक सूची जारी हुई कि उनको इस तारीख तक रोजगार दे दिया जाएगा। अगर रेलवे अपनी सूची पे अमल करे तो 2021 तक सब बच्चों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी बच्चों को रोजगार नहीं मिला। हमने अभी कमिश्नरी में हम लोगों ने धरना दिया, हम रेलवे के महाप्रबंधक जबलपुर में भी हमारे यहां से बच्चे गए और 5-6 दिन नहीं से खुले आसमान के सामने उन्होंने धरना दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सोच सकते हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि रीवा संसद, सतना संसद, सीधी संसद और खजुराहो संसद जी प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ 4-4 संसद हैं जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी प्रदेश में सरकार है, और हमारे किसान के बच्चे खेती योग्य जमीन दे के निरी जैसे घूम रहे हैं। हम और यहाँ के, हमारे यहाँ के माननीय संसद जी सीधी हमारे यहाँ के रीवा विधायक जी कह देते हैं कि हमें गोविंदगढ़ तक ट्रेन चलाना है। अरे गोविंदगढ़ तक ट्रेन चलाना है तो आप हमारे रीवा के विधायक हैं, कम से कम ये देखिए कि एक कैंप लगा करके कि रीवा से गोविंदगढ़ तक जितने गांव हैं उनमें प्रभावित किसानों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। बहुत सारे किसान है जिनके साझात खाते थे, उनके बच्चों के नाम नामांतरण नहीं हुआ है, जमीने नामांतरण नहीं हुई है और बहुत सारे बच्चे छूट गए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं और माननीय संसद जी से आग्रह करने आए हैं कि आप रेल मंत्री जी से मिलिए, आप लोकसभा में इस मुद्दे को उठाइए और सब बच्चों को रोजगार दिलवाइए, क्योंकि किसानों ने भूमि दी है, भूमि के बाद रोजगार देने के वादा खिलाफी रेलवे न करे, नहीं तो। रेल मंत्रालय विंध्य एवं बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है। यद्यपि यह योजना बहुत विलंब से चल रही है, किसानों की जमीन का अभी तक पूरी तरह से मुआवजा भी नहीं मिला। ललितपुर सिंगरौली निर्माणाधीन रेल मार्ग में मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना का रीवा से तुर्की, सतना, नागौद, देवेंद्रनगर, पन्ना तक का मार्ग आता है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है उनके आश्रितों को नौकरी देने के जो आदेश इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रेल बोर्ड ने 2010 में किया था, उसी के तहत सतना पन्ना में 1207, सतना रीवा डबलिंग में 469 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सतना पन्ना में 276 आवेदकों को नौकरी दी गई है। जब किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रीवा सतना डबलिंग में एक को भी अभी तक नौकरी नहीं दी गई, जबकि रीवा सीधी सिंगरौली के बीच 2082 लोगों के आवेदन पत्र, 1153 लोगों की नौकरी दी जा चुकी है।
शेष आवेदनों में विचार बंद कर दिया गया। मेरे लोकसभा में लगाए गए अतारंकित प्रश्न का उत्तर 171 11 नवंबर 19 को दिया, जिनमें किसानों को भूमि अधिग्रहण की गई जमीन आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय वापस ले लिया गया। वर्ष 2010 में रेल मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि इस परियोजना में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। उसी के तहत कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई, लेकिन शेष प्रभावित किसानों को के बच्चे भटक रहे हैं, उनको नौकरी अभी तक नहीं दी जा रही। एक ही परियोजना में कुछ को लाभ दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया, यह न्याय उचित नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत आने वाले सभी जो किसानों के हितग्राहियों की जमीन ली गई है उनके बच्चों को नौकरी दी जाए।